हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एफसीएक में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपका वीडियो का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और इसके ऊपर जो आपकी मेरिट्स वगैरह कट ऑफ वगैरह गया है, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ और ढेर सारे आपकी क्वेरीज आ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। जैसे इसके सेकेंड लिस्ट को लेकर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, क्या मामला हाईकोर्ट में चला गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका कब होगा, और इससे जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर वो बता दीजिए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो ढेर सारे स्टूडेंट को वापस जाना पड़ा था और ढेर सारे डॉक्यूमेंट में उनकी मिस्टेक्स आई थी। तो मैं कोशिश करूंगा इसमें हर सारे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो ज्वाइनिंग डेट है उसमें देरी वगैरह हो रही है, तो क्या इसमें सेकंड लिस्ट आएगी और ज्वाइनिंग इसकी फाइनली कब तक हो जाएगी, इसमें मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड बारी बारी से इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट को लेके पहला क्वेश्चन है आपका, ढेर सारे लोगों का था, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड लिस्ट है, जैसे अभी जब से आपका ये वैकेंसी आई थी उससे अभी तक सिलेक्शन के बीच में ढेर सारी ऐसी वैकेंसी जो क्लियर हुई है उसमें ढेर सारे स्टूडेंट उस जगह पे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अगर वो छोड़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, अगर सीटें रिक्त होती है तो फिर से जो 10% रिजर्व रखने का रूल है फाइनली, हालांकि इन्होंने वेटिंग लिस्ट ऑफिशियली नहीं निकाली है लेकिन एज रिजल्ट इनके पास में होता है, तो वो उसके थ्रू 100 या 200 बच्चों को, जितना भी रिक्त होगा उससे उतने बच्चों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो कनेक्ट रहिएगा, हम हर चीज की जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे और जरूरत पड़ती है तो हम वहां से जाके सारी क्वेरीज लाइव लेके आपको दिखाते हैं हर चीज, ठीक है। सेकेंड है आपका हाईकोर्ट में मामला क्या गया है क्या, तो ये चीज अभी सुनने में आ रहा है कोई भी हाईकोर्ट के मामला नहीं गया है ये, और एक रिक्वेस्ट रहेगी हमें उन स्टूडेंट से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे ये चीज देखने को मिला, क्योंकि हड़बड़ी तो सब में थोड़ी थाड़ी होती है लेकिन ये एक फ्रेश वैकेंसी हुई है और जितने भी स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत किए थे, अच्छे स्टूडेंट थे, स्कॉलर थे, तो उनके सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये मामला भाई जानबूझ के हाईकोर्ट में ना ले जाने का, और अभी तक ये मामला हाईकोर्ट में नहीं गया है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस वैकेंसी में नहीं हुआ है और सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो हुआ है वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये देखने को मिला है इसमें। अब जो जितनी वैकेंसी है ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि जितनी भी वैकेंसी होंगी उसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा वो अप्लाई किया जाएगा पेपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रेंड्स इसी महीने में सितंबर लास्ट तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर इस महीने में बिजी शेड्यूल होने के कारण नहीं होता है तो ये अगले महीने में अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक डेफिनेटली कर ली जाएगी, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एक दो डॉक्यूमेंट भी छूटते हैं तो आपको टाइम थोड़ा सा दिया जाता है, लेकिन नहीं बना पाते तो आपकी ज्वाइनिंग रुक जाती है, ठीक है। तो इसलिए को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे है इम्पोर्टेंट जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, ये मस्ट है, और उस डेट से जब इसका लास्ट डेट था, ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, तो उस दिन तक का आपका हो जाना चाहिए था। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, या फिर ये दो चीजें हैं इनको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट होता है, आपका जन्मतिथि प्रमाण पत्र होता है, ये तो मस्ट है, इसको लेके जाना है, ठीक है। और इंटर का आपका प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट जो है आपका अंक पत्र, क्योंकि आप दोनों कंबाइन होकर आना लगा है 2012-13 के बाद से, तो वो करना है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं या जो रिजर्व कैटेगरी का है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, क्योंकि अनप्रेजेंस में इसका तो आपका ज्वाइनिंग रुक जा सकती है, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने मेंशन किया तो आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढेर सारे स्टूडेंट का आ रहा था तो पिछले ही वाले वीडियो में कि सर मेरे नाम में कुछ प्रॉब्लम है ये सब, तो फ्रेंड्स अभी आपके पास में टाइम है, अगर आप इसको बनवा सकते तो ठीक है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अगर नहीं बनवा पाए हैं तो आपको नोटरी जो आपके पास के तहसील से बनती है, कचहरी से बनती है, ठीक है, जो एफिडेविट के फॉर्म में होता है वो आप बनवा सकते हैं कि ये हमारा परमिशन है, मैं इतने गिवन डेट में, एक दो महीने का आप टाइम ले सकते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है, वो एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, कुछ जनरल चीजें हैं जैसे आईडी, आपके एक आधार कार्ड वगैरह लेके जाना पड़ेगा, कोई वैलिड आईडी, फोटो 2-3 लगता है वहां पे, दो आपको जमा करवाते हैं, जैसे आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर हुआ था, मैं खुद ही वहां सेंटर पे था, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और एक क्वेश्चन है कि बहुत कमी लोगों का है कि जिनका चयन जनरल कैटेगरी में है लेकिन वो आरक्षित, मतलब ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनके लिए फ्रेंड्स जो आपका सर्टिफिकेट है जो आरक्षित कैटेगरी का वो लेके जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे वीडियो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए उनको मैंने डिस्कस किया है।
अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर की दो चीजें हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूं। ज्वाइनिंग में देर हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं 20 अगस्त या 25 अगस्त के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक क्वेश्चन है यहां पे जो ये है कि दो चीजों की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैंने बात किया था तो उन्होंने क्लियरली तो नहीं बताया कि, लेकिन ये बताया कि सर इसी प्रोसेस की वजह से, क्योंकि 31 अगस्त जैसा कि आज मतलब इनका कुछ एग्जाम है ठीक है, और जो सेकेंड लिस्ट आने वाली है जैसे कि बताया कि ढेर सारे एग्जाम क्लियर हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कराए गए थे, जो वैकेंसी निकाली गई थी उससे कमी बच्चे पहुंचे हैं, तो शायद ये सेकेंड लिस्ट आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है और ढेर सारे कैंडिडेट्स को फिर से बुलाया जा सकता है डॉक्यूमेंट में। ये प्रोसेस बहुत तेजी से होने वाला है और ज्वाइनिंग इसकी लास्ट सितंबर तक हो जानी है, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बताया तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन लास्ट सितंबर तक फाइनली हो जाएगा। तो फिर ये थे पूरे क्वेश्चन आपके जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आपके जो कह रही कमेंट बॉक्स हो, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू जितने भी आए थे, मैंने कोशिश की कि सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ से डिस्कस कर लेने के। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स का वीडियो में एग्जाम हुआ है ये अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स को क्लियर जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।